जय गुरु। आज परम पूज्यपाद युगाचार्य श्री श्री बड़ौदा की 111वीं जन्म तिथि है, उनके श्रीचरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रातुल चरण में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। चलिए आज श्री श्री बड़ौदा की कुछ वाणी और उनके जीवन कहानी के ऊपर आलोचना करेंगे। जन्म जन्मांतर की साधना के फल स्वरूप हम उनके संतान हुए हैं या कोई सगा संबंधी हुआ है, किंतु उनका कोई शारीरिक नहीं है। वे शरीक टरीक पसंद नहीं करते हैं। उनका संतान हो या सद्गुरु ही हो, मुनि ऋषि जो ही हो, ऐसा भाव आते ही शरीक का भाव उसे बिल्कुल नीचे गिराना पड़ेगा। वे अनंत है, हमारा चलन भी अनंत है, हम सब उनके दास हैं। शयन स्वप्न में निशि जागरण में यह काल परकाल सर्व अवस्था में सर्वोद्भाव से ऐसा भाव रखना चाहिए। आलोचना प्रसंग श्री श्री बड़ौदा से संग्रहित। श्री श्री ठाकुर ओ श्री श्री बड़ौदा सेदिन जो सब कथा श्री श्री बड़ौदा कही चलते किंतु मोर बा शंकर प्रसाद घोष दस्तीदार मनरे सविशेष प्रवेश करनी। मु बड़ौदा कथा शुणुली से विशेष मनोनिवेश करी आड़ एक मन में चाह रही थी। बड़ौदा थरे दुई थर मत कहले तू मो आड़ एमती अन कौन देखुचु। मु कहली आज्ञा कि नहीं आपण को देखुची। बड़ौदा से पाद दुईटा गोटे नहीं आसन कर बसिले, बाँ हाथा बाँ पाख बिछणा उपरे, डाहणा हाथ डाहाण पाख जंग उपरे, आउ समस्ते आड़ को चाहिए तांका सामनारे तले बसी मृदु आलुओ जलुची। चाह था एक समय देखिली बड़ौदा जगार परम दयाल श्री श्री ठाकुर जमी निजे ही बसी अच्छा। ठाकुर बाड़ी में दयाल तक्त पोष उपरे जमी बसंती ठीक जमी हु बहु सही रकम अशोक आश्रम बसी। बड़ौदा जगार जमी दयाल निजे ही बसी अच्छा नाना रकम गप कर चलते गलार शब्द गुड़िक कि बड़ौदा निजर ही शुणुची। यही दृश्य देखि मु अवाक हो बड़ौदा आड़ को चाह रही थी। मोर जीवन से दिन एक सुवर्ण सुजोग मंगला पुस्तक श्री श्री बड़ौदार सानिध्य से ही सोनाली दिन गुली प्रथम खंड पृष्ठ संख्या 126-127 रचना श्री श्री शंकर प्रसाद घोष दस्तीदार संग्रहित। श्री श्री बड़ौदा और जीवजंतु कथा पुणी केव दिन श्री श्री बड़ौदा नानाधरण जीवजंतु कथा कहते बिन जीवजंतु स्वभाव चरित्र प्रकृति नहीं अनेक गपसप करती कहती प्रति जीवजंतु को यथाथ भाव भल पाई पारे स्वभाव प्रकृति भाषा इच्छा करले अनेक समय बुझीपर हुए नाना धरण जीवजंतु साप बाघ भालू एम मनोभाव और भाषा से बुझीपारती। साप नहीं तो से अनेक दिन अनेक खेल भी करवन पिला बेले एवं बड़ हो एमती कि देवघर भी अनेक लोकों सामने से विषाक्त साप नहीं खेला करणसी अलौकिक प्रयोग कर नुहे बास्तव साहस संगे ही करमदयाल श्री श्री ठाकुर कही अहंटा जितेबले मिले जाए जीव से सर्वगुण संपन्न निर्गुण हुए। श्री श्री बड़ौदा जीवन में दयालंकर बाणीटी जीवंत होता मनीष निर्गुण हेले ही निरहंकार हुए आउ निरहंकार व्यक्ति ही हिंसा शून्य हुए आ मनीष जितेबले हिंसा शून्य हुए से महाप्रेमी हुए से आउ कौन हिंस्र प्राणी बा जीवजंतु पशुपक्षी हिंसा करती नहीं। जय गुरु।